ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, तो आज हम एक कलेक्टिव डिवाइन रीडिंग करने जा रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग अबाउट द पास्ट एंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। मैं इसके अंदर अपने इस टैरो डेक को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। आपके सामने मैं इसको एक बार और शफल कर देती हूँ, जबकि मैंने इसको वैसे शफल किया हुआ है। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, ये ठीक है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। लास्ट में हम डिवाइन गाइडेंस में निकालेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आपकी पास्ट की देखते हैं कि पास्ट में आपको आपके क्या सिचुएशन थी। द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आपकी पास्ट की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली प्यार करते थे, या कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली था, और आप बहुत ही आगे बढ़ रहे थे अपनी सिचुएशन में, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ थी, और आपने एक दूसरे को शायद प्रपोज भी किया, और रिश्ते में आगे कहीं जाकर चीज़ें बढ़ी भी। तो ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। मैं एक और कार्ड लूँगी, 2 आ गए। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि आपकी, आपके पार्टनर की बहुत यंग एनर्जी थी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप दोनों, एक जना बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी में रहता था, और एक ज़्यादा बहुत ही इंट्यूटिव और समझदार और थोड़ा सा सीक्रेटिव था, जो अपने मन की बात इतनी जल्दी एक दूसरे को नहीं कहता था। तो आप दोनों की या आपके रिलेशनशिप की मुझे पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अब मैं देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंटली क्या है। The moon, king of swords, queen of swords, okay, knight of swords, क्या हो गया है friends, the tower, तो फिलहाल तो आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक चल रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनफैक्ट मुझे नज़र आ रही हैं। मैं इसको इसके साथ मैं दूसरे को भी कर लेती हूँ, ताकि सारे कार्ड्स अच्छे से नज़र आएं। आई थिंक इसमें पूरे नज़र नहीं आ रहे, मुझे लगा था कि शायद आ जाएंगे। देखिए, द टावर से पता लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, चीज़ें बीच में बिखरी हैं, और एक पैनिक सिचुएशन हुई है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े और सिचुएशन ख़राब हुई है। या तो आपके मन में बहुत ज़्यादा फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ थी, या फिर उनके थी, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुआ ये सब, इतनी तेज़ी से झगड़ा हुआ है ये, और सब कुछ बिखर गया ऐसा लग रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है। अभी तो टावर मोमेंट है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप दोनों को शायद कुछ सिखाने के लिए आया। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशन तो मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अभी तो शायद कहीं ना कहीं, ये देखिए, क्वीन को और किंग को, दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे मुँह कर लिया, ना आप उनसे बात कर रहे हैं ना वो आपसे बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों बस एक दूसरे से नाराज़ होके बैठे हैं, और बस बहुत तेज़ी से आप दोनों ने जो कुछ भी किया है, बहुत तेज़ी से ये झगड़ा हुआ है, बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो फ़िलहाल ये आपकी करंट एनर्जी है रिलेशनशिप की। अब हम आपके फ्यूचर एनर्जी देखेंगे कि क्या सिचुएशन में फ्यूचर में क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 कार्ड आ गए, दोनों लूँगी, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आने वाले टाइम में सबसे पहला, अगर मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँ, तो आपके इस कार्ड के हिसाब से आप दोनों में से किसी एक ने बिट्रेल किया है, या मैनिपुलेशन के लिए एक दूसरे में से किसी एक ने,
तो फ्यूचर में उस चीज़ का एक क्लैरिटी आएगी कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है और ये किसकी वजह से हो सकता है, किसी तीसरे बंदे ने भी आप दोनों के बीच में आकर क्रिएट करने की कोशिश की हो। लेकिन इन सारे कार्ड्स का रिजल्ट है 9 of Pentacles, विश फुलफिलमेंट। तो अगर चीज़ें खराब हुई हैं तो चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि आप देखिए, एस ऑफ कप्स आने से कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि एक नई शुरुआत होगी। अगर चीज़ें अभी ख़राब हुई थी तो दोबारा से इमोशंस आएंगे, दोबारा से चीज़ें ठीक होंगी। अभी शायद आप दोनों फ़िलहाल 5 of Cups कहीं के एक दूसरे को विड्रॉल की एनर्जी में फील कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो एम्परर आया है, द 2 of Wands आया है, इंतज़ार है, चीज़ें धीरे 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 नेक्स्ट लेवल आएंगी। देखिए, एस ऑफ कप्स आया था, फिर उसके बाद आपका 2 of Wands, एस के बाद आप 2s पे आए, फिर आप थोड़ी नाराज़गी आई। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप पूरी जर्नी देखें, यहाँ से बिट्रेल से, फिर ऑफर से, फिर आप आगे दोनों एक दूसरे का फिर से इंतज़ार करेंगे, उदास होंगे, नाराज़ होंगे, कहीं ना कहीं अपनी ईगो प्राइड को दोनों साइड में रख के 9 of Pentacles दोनों रीयूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे। रीडिंग बहुत अच्छी है। देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, चीज़ें कहाँ से हुई थी और क्लैरिटी होते 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 एंड में, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो चीज़ें आखिरी में जाके बहुत अच्छी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं निकालूंगी डिवाइन गाइडेंस, इस सिचुएशन में डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। तो मैं सबसे पहला कार्ड अपॉर्चुनिटी, ओके, देन पीसफुल रेजोल्यूशन एंड नेक्स्ट इन द नियर फ्यूचर। देखिए, तीनों ही कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डिवाइन कह रहा है कि अगर अभी प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पर सिचुएशन में, तो उसे पर्सनल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इसे पीसफुल सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा इस प्रॉब्लम का, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ज़रूर बेहतरी की ओर बढ़ेंगी, आई होप। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एनर्जी को क्लेम करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।